कि चढ़ती जवानी को और भी खौला देंगे हम, चढ़ती जवानी को और भी खौला देंगे हम, इस बार ठाना है कि टॉप करेंगे हम, टॉप करेंगे हम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सतीश पटेल और आज फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सम्मुख एक नई ऊर्जा के साथ, मुस्कान भरी सुबह के साथ। चलिए मैं प्रस्तुत करता हूं आपके साथ एक नए वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखेंगे, उसका महत्व तो क्या होता है, और हमने द्रव्यमान संरक्षण नियम का नियम भी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ा था दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, चलिए नोट करते जाएगा साथ में आप लोग भी। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने हम एक रिएक्शन का जो है यूज किए ले रहे हैं, Fe आयरन प्लस H2O। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2, एक अभिक्रिया को हमने लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, Fe प्लस H2O क्या मिलकर बनाता है, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। यही नहीं, अगर किसी भी अभिक्रिया को हम ले लेंगे तो जिस प्रकार से अभी इस रिएक्शन को हम संतुलित करने वाले हैं, उसी प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम क्या कर पाएंगे, संतुलित कर पाएंगे। तो ध्यान से जो है पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित करने लिए कुछ जो है स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से आपका पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट लिखते जाइए, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, कि सबसे पहले किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना। चलिए लिखते जाइए, मैं लिखते भी जा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी साथ साथ। रासायनिक समीकरण को आपको मेरी क्लास लेने के बाद किसी भी प्रकार की ट्यूशन कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जब भी आपको रासायनिक समीकरण को संतुलन करने में जो है अगर भूलता है तो ये नोट करते जाएगा, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी नोट्स में लिखा रहेगा तो बहुत ही बेहतर होगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने क्या बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, लेकिन इस पर कुछ परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते। तो चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारी अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, इसको लिखे ले रहे हैं हम, आयरन है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के, तो ये आयरन एक क्या है, आयरन का सूत्र होता है ये, हम इस पे क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, प्लस किया H2O लिखा है, इस पे भी हमें क्या कर देना है, बॉक्स बना लेना है। ये लीजिए, प्लस लिखा है, ठीक है, सॉरी एरो का चिन्ह इधर, Fe3O4। चलिए ये भी क्या कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। प्लस क्या लिखा है, H2, इसको भी हमने बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलिए स्टेप फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर स्टेप सेकंड, अब आपको क्या लिखना है, स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड लिखना है। चलिए स्टेप फर्स्ट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। सेकंड ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, बॉक्स बना लिया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि अभी आपका ये क्या है, असंतुलित है, अभी आपका ये क्या है, असंतुलित है, आपको इसको क्या करना है, संतुलित करना, ठीक है। तो इस असंतुलित समीकरण में, ठीक है, लिख लीजिए, असंतुलित समीकरण में, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं, सूची बनाते हैं, ठीक। क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, यह भी हमारा अभिक्रिया, जो हमारी रिएक्शन लिखी हुई है क्या है, असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना है। तो क्या करना, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, परमाणु जितने भी दिख रहे हैं, इनकी क्या करना है, आपको सूची बनाना है, ठीक है। चलिए सूची बना लेते हैं, सूची बना लेते हैं, एक तरफ लिख लीजिएगा इधर तत्व, क्या लिख लेना है आपको, ये तत्व लिख लिया, ठीक है। अब इसमें अभिकारक होता है, ये क्या होता है, अभिकारक, ये क्या होता है, उत्पाद। अगर पहले वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने बताया हुआ कि तीर के जो इस तरफ होते हैं, ठीक है, तीर के जो बाएं तरफ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और इधर जो रहते हैं जो प्रोडक्ट बनता है उसे हमें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। इधर तत्व लिख लीजिएगा, तत्व का नाम जो भी है, ठीक है, और अभिकारकों में परमाणु की संख्या, इधर लिख लीजिएगा अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों परमाणुओं की संख्या, ठीक, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, इधर लिख लीजिए उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, इधर क्या लिख लीजिए आप, यहां से आप एक काम करिए ऐसे कर, ठीक है, इधर लिख लीजिए उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, इधर तत्व लिखे हैं, ठीक है, इधर परमाणुओं की संख्या किसमें, अभिकारकों में, उधर उत्पादों की, ठीक है। चलिए सारणी बनाना था हमको, सारणी बनाए ले रहे, ठीक। तत्व आपको कौन कौन से देखने को मिल रहा है, पहला तो आपको क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, चलिए आयरन कर लेते हैं, आयरन पहला तत्व, तो क्या आपका आयरन। दूसरा तत्व तो आपको कौन देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन। दूसरा तत्व तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन। तत्व तो ही तत्व तो लिख लीजिए, इसके लिए एक काम करिए, आप लाइन खींचते जाइए, ऐसे बना लीजिए, ये लीजिए हाइड्रोजन, क्या मिल गया आपको, हाइड्रोजन, ठीक, इसका भी हो गया, ये लो। तीसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन। तीसरा आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये लीजिए ऑक्सीजन के लिए बना दिए, ठीक है। अब इसमें देखें अभिकारकों में परमाणु संख्या, अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी है, अभिकारकों में कितनी संख्या आपकी आयरन की, वन, कितनी है, वन, कितनी है, वन, ठीक है। उत्पादों में कितनी है आयरन की, Fe3, कितनी है, तीन। इस प्रकार से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, दो है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी कितने हैं, दो है, ठीक है। इसी प्रकार से इधर ऑक्सीजन, इधर इस प्रकार, इधर क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, वन है, इधर कितनी है, वन है, इधर कितनी है, इस प्रकार से इधर कितने है ऑक्सीजन, चार है, इधर कितने है ऑक्सीजन, चार है, ठीक। जी लीजिए आपका सेकंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। ये लीजिए आपका सेकेंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
ठीक है। सेकंड स्टेप में असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। सूची बना लिया हमने, क्या क्या कौन कौन से परमाणु थे हमारे, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन। आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अभिकारकों में इधर और इधर उत्पादों में, अभिकारकों में आयरन की संख्या कितनी थी, 1 थी, लिख लिया है। उत्पादों में आयरन की संख्या Fe3 लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी थी, 2 थी, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है अगले, ठीक है, स्टेप थर्ड, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। स्टेप थर्ड, चलिए स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, ठीक है। अब हमको, चलिए लिखते जाइए, तृतीय चरण में हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। चलिए संतुलित करेंगे, इनका मतलब भी समझ लेते हैं। क्या कह रहा है थर्ड स्टेप, तृतीय चरण में हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। आपने हाइड्रोजन आयरन देखा, हाइड्रोजन देखा और क्या देखा, ऑक्सीजन देखा, ठीक है। तीन परमाणु आप देखने को मिल रहा है, तो इसमें से जो सबसे अधिक परमाणु किसके मिले आपको, सबसे अधिक परमाणु आपको किसके देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन के। सबसे अधिक परमाणु किसके देखने को मिलते हैं आपको, ऑक्सीजन के 4। अभी आपने टेबल बनाई हुआ, उस टेबल पे देख लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने थे, 4 थे। तो सबसे पहले हम उसी को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से टेबल उसकी भी बना लीजिए, किस प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु लिख लीजिए, इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन सबसे पहले किसको करेंगे, इसके सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑक्सीजन के चार है तो ऑक्सीजन को पहले करेंगे। अगर कोई दूसरी अभिक्रिया आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी अभिक्रिया को आप संतुलित कर रहे हैं, तो उसमें जिस परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो उसी को आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के ज्यादा, तो इसलिए ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु लिख लिया क्या, और इधर लिख लिया कि उत्पादों में कितने हैं, उत्पादों में और एक क्या बचता है आपका, अभिकारकों में, ठीक। अब प्रारंभ में कितने थे, बाद में कितने, ठीक है, आपको ये लिखना है, ठीक है। अभी कितने हैं, अभी बाद में, आप चूंकि संतुलित कर रहे हैं आप, है ना, प्रारंभ में और अंत में, ठीक है। प्रारंभ में अभी लिख लीजिए, प्रारंभ में कितने हैं, 1। अभी कितना है ऑक्सीजन, ये देखो 1 है, किस पे, उत्पाद, इधर है ऑक्सीजन के परमाणु उत्पादों में और इधर अभिकारकों में, ठीक है, अभिकारकों में और उत्पादों में, ठीक है। चलिए तो इधर उधर हो गए क्या, चलिए कोई बात नहीं, इधर कर लीजिए अभिकारक, क्योंकि इधर इधर सब व्यस्त व्यस्त हो जाएगा ना, इधर कर लीजिए अभिकारकों में और इधर कर लीजिए क्या, उत्पादों में, ठीक है। अब ठीक है, उत्पादों में, ठीक। तो प्रारंभ में अभिकारकों में कितना है, कितने हैं ऑक्सीजन, 1, कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, ओ 4, यानी कि 4, ठीक है, कोई बात ना, करते रहेंगे। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देखिए संतुलन के लिए क्या करोगे भाई साहब, क्या करेंगे मित्रों, अरे करेंगे क्या, 1 है, कितने जरूरत है, 4, कितने जरूरत है, 4, तो 1 का गुणा 4 से कर दीजिए तो 4 हो जाएंगे, है ना,
वन इंटू क्या करेंगे, फोर करना पड़ेगा, ठीक है। कितना करना पड़ेगा, वन इंटू फोर। जब वन इंटू फोर कर देंगे तो चार हो जाएगा, ठीक है। वन इंटू फोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, है ना। चलिए ये आपका क्या था, थर्ड स्टेप था, ये आपका क्या था, थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप भी क्या हो गया आपका, खत्म हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप भी आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए इसमें अभिक्रिया आपकी अब क्या बनती है, इसमें आपकी अभिक्रिया क्या बनती है वो लिख लेंगे। तो आपकी अब अभिक्रिया क्या प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है आप, आपने ऑक्सीजन में कितने का मल्टीप्लाई किया, फोर का, ठीक है। इधर कितना था, चूंकि आपने इधर गुणा किया हुआ है ना इसे H2O वाले ऑक्सीजन में, ठीक है, अभिकारक वाले में, ठीक है। तो इधर क्या कर देंगे हम, फोर इधर लिख दिया, ठीक है, Fe प्लस फोर H2O और इधर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इस प्रकार से आपका बन गया, इस पे भी हम क्या लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, अभिक्रिया, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन प्राप्त हो गई। लेकिन अभी ये हमारी रिएक्शन क्या है, अभी हमारी ये रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। इस पे अभी हमने क्या ठीक किया, अभी ऑक्सीजन, इस पे सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स किसके थे, ऑक्सीजन के थे, इसलिए हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ठीक कर दिया। इसके बाद फिर अगली स्टेप फोर, स्टेप फोर, ठीक है, स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या है, चौथा स्टेप, चौथा स्टेप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ठीक कर लिया। अब हमारे पास बचे हुए क्या, आयरन बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है, आयरन और बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं, यहां देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं, क्योंकि आयरन मालिक्यूल इसे आयरन में कितने हैं, वन है, और इधर हाइड्रोजन एच टू और इधर फोर, यानी कि चार गुणे दो बराबर आठ, यानी कि अब इसी को हम संतुलित कर लेंगे, ठीक है, इसको संतुलित कर, ठीक है। चलिए स्टेप फोर्थ में लिखिएगा, इधर लिख लीजिए हाइड्रोजन साड़ी बनाइए, ठीक, पहले जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं, प्रारंभ में और संतुलन के लिए, संतुलन के लिए, ठीक है, संतुलन के लिए, ठीक। इधर इधर अभिकारकों में कितनी संख्या हो रही है, अभिकारकों में और उत्पादों में, है ना, उत्पादों में, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं बच्चा लोग, जल्दी से, ठीक है। चलिए बनाइए मेरे साथ साथ, आप लोग भी बनाइए, तुरंत टेबल बनाइए, बन गई क्या, बन गई, चलिए कोई बात ना, ठीक है। तो प्रारंभ में देखिए हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में कितने हैं, अभिकारकों में कितने हैं देख लीजिएगा, ये अभिकारक होते हैं, हाइड्रोजन देखना है, देखिएगा ये फोर है, ये क्या है, फोर इंटू टू, यानी कि ये क्या है, इसका गुणा, यानी कि चार दूनी आठ, हाइड्रोजन अंदर कितने हैं दो और यहाँ कितने हैं चार, चार का गुणा जब दो से हो जाएगा तो कितने हो जाएगा एट, कितने हो जाएगा फोर इंटू टू इक्वल टू एट, ठीक है, कितने एट, किस पे है आपके H2O में है, किसमें है H2O में, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, जल में है, ठीक है। इसके बाद फिर इस पे क्या उत्पादों में, उत्पादों में देख लीजिए, उत्पादों में कितने हाइड्रोजन दो, कितने हैं दो, किस पे है H2, है ना, H2 में, ठीक है। चलिए ये लिख लिया, अब देखिएगा इधर, इधर कितने हैं एट, इधर कितने हैं दो, हमें कितने की आवश्यकता पड़ेगी सिक्स की, चलिए तो इस पे कितने हैं एट, ठीक है, एट कर दिया। तो इस आप बताइए इधर दो है, किसका गुणा कर दे कि एट हो जाए, तो हम जानते हैं कक्षा दो से पढ़ते चले आ रहे हैं, टू इंटू फोर कर देते हैं तो क्या हो जाता है एट, टू इंटू फोर कर देते हैं क्या हो जाता है एट, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, टू इंटू फोर, तो अब किस प्रकार से संतुलित, अब किस प्रकार से प्राप्त होगा समीकरण, अब कैसे प्राप्त होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe प्लस फोर, ठीक है, Fe प्लस फोर H2O, ठीक है, Fe प्लस फोर H2O, ये कर लिया, ये H2O को बंद कर लिया हमने, ठीक है। इधर देख लीजिएगा Fe3O4, ठीक है, इसको लिख लिया आपने, किस पे इस पे H2, इसमें चार का गुणा कराया हुआ है ना, तो इस पे प्लस करके क्या कर देंगे, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, क्या कर देंगे फोर, क्या कर देंगे फोर, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, फोर और फिर अंदर क्या कर देंगे H2, ठीक, आया समझ में, फोर कहाँ से आ गया,
इस वाली रिएक्शन में फोर कहां से आया समझ में आया, इस वाली रिएक्शन में फोर कहां से आया समझ, ठीक है समझ में आया, इस वाली रिएक्शन में ये फोर आया था ऑक्सीजन परमाणु को जब हमने संतुलित किया था, ठीक है ऑक्सीजन को जब हमने संतुलित किया था तब ये फोर आया था, ठीक है क्योंकि कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको इधर फोर का बैलेंस करने के लिए, इस पे फोर कहां से आया क्योंकि इधर कितने हैं दो, हमें इधर कितने हैं अभिकारकों में आठ, तो हमें चार का गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार से चार, ठीक है ये भी आपका क्या हो गया संतुलन हो गया, किसका आपका हाइड्रोजन का, आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया संतुलित हो गया, इसी प्रकार से अब क्या होगा ये हाइड्रोजन हो गया, कौन कौन सा हो गया हाइड्रोजन का संतुलन हो गया, ऑक्सीजन का बचा क्या है आपका आयरन, चलिए आयरन को भी हम क्या कर लेते हैं संतुलित कर लेते हैं, मैं यहीं से बना ले रहा हूं ठीक है, यहां आप लिख लीजिए क्या आयरन, ठीक है आयरन यहां क्या लिख लेंगे आयरन, क्या बचा हुआ चूंकि आपको बचा हुआ आयरन, ठीक है आयरन लोहे लोहा भी कहते हैं, ठीक है इसको आयरन, ठीक है आयरन के परमाणु ये हो गया, ठीक है के लिए प्रारंभ में देखिएगा प्रारंभ में कितना अभी आयरन, इसको मिटा दीजिए वैल्यू, ये वैल्यू आप मिटा ये देख लीजिएगा प्रारंभ में, ठीक है प्रारंभ में आयरन कितना है वन, प्रारंभ में आयरन कितना है वन, ठीक है चलिए किसमें है एफी में, किस पे है एफी में, ठीक है इसके बाद फिर उत्पादों में कितना है, उत्पादों में कितना है, उत्पादों में थ्री है, कितना है थ्री है, किसमें एफी थ्री ओ फोर में, एफी थ्री ओ फोर में, Fe3O4 में, ठीक है इसके बाद संतुलन के लिए क्या चाहिए, संतुलन के लिए क्या चाहिए, इधर तीन है इधर वन है तो इस पे हम वन थ्री का मल्टीप्लाई करा दें अगर तो क्या हो जाएगा ये भी थ्री हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो अब हमें रिएक्शन क्या प्राप्त होगी, अब हमें रिएक्शन क्या प्राप्त होगी ध्यान दीजिए किस पे आपने Fe इस पे आपने थ्री का गुणा कराया हुआ है ना, तो यहीं पास आप क्या करेंगे थ्री, ठीक है Fe ये लीजिए इस प्रकार से बंद कर दिए, बाकी सारी सारी छाप दो, छाप दो फोर एच टू ओ छाप दो भैया छाप दो, सब कुछ समझ में आ गया है ना, एफ ई थ्री ओ फोर है ना यही होगा ठीक है इनटू प्लस क्या कर दिया एच टू ये लीजिए ठीक है ये भी आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है ये स्टेप फोर के बाद स्टेप कौन सा था फाइव था, स्टेप फाइव चार के बाद पांच स्टेप हो गया, ठीक है आपकी अभिक्रिया क्या हो गई ये प्राप्त हो गई, ठीक है चलिए इसको भी रच कर दीजिए, ठीक है अब आपको क्या करना है स्टेप सिक्स लास्ट है, इतना आसान नहीं है स्टेप सिक्स, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है बहुत सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है क्रम से करिएगा, ठीक है स्टेप सिक्स लास्ट है आपका, ये अभिक्रिया है ये हमें रिएक्शन मिली हुई है, अब इसको हमें देखना है कि क्या अभिकारक तत्वों के अभिकारकों में जितने भी परमाणु हैं क्या इसके द्रव्यमान के दोनों का द्रव्यमान बराबर है, अभिकारक तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और उत्पाद तत्वों के तत्वों का द्रव्यमान बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो रासायनिक अभिक्रिया हमारा रासायनिक जो समीकरण वो संतुलित है अन्यथा नहीं, तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा लिख लीजिए लास्ट में स्टेप सिक्स है, अंत में हम स्टेप सिक्स में क्या है अंत में हम इस समीकरण के अंत में हम इस समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं ठीक है इस अभिक्रिया के ले रहा हूँ, ठीक है गली के ले रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है थ्री एफ ई ठीक है प्लस फोर एच टू Fe3O4 प्लस 4H2 परिकलन करिए अंत में हम इस समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं, चलिए देख लेते हैं ठीक है Fe3O4 Fe3 है ये लीजिए आपका ये संतुलित है O4 ये भी ठीक है 4H2 ठीक है अब ये 4H2 भी आपके हाइड्रोजन में कितने हैं ये देखिए
ये देखिए 4H2 4H2 और O4 O4 इस प्रकार से आपका क्या है संतुलित हो जाता है। ठीक है, इस समीकरण के दोनों ओर के तत्व इस समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की संख्या क्या है समान है, अतः यह समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित हो गया। यह समीकरण आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, संतुलित है। चलिए ठीक है, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है।